हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ मॉर्निंग की ब्रीफ। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट पहले सुबह में तो बहुत ग्रीन था, लेकिन जैसे जैसे आरबीआई के अनाउंसमेंट आते गए, पता नहीं मार्केट को लग रहा है कि वो अनाउंसमेंट उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी प्रयास की, मैं उस पर तवाऊँगा। पहले मैं मार्केट को बता दूँ कि निफ्टी 5 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 216 पॉइंट नीचे, जो कि सुबह में सारी चीज़ें ग्रीन थी। मूडीज़ ने कहा है कि जो इंडिया का ग्रोथ है वो 2.5 के आसपास रहेगा 2020 में, जो अच्छी बात नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑलरेडी यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रही है। डीजीसीए ने भी इस बीच अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ेगी। ये रहा मार्केट का। अब बात करते हैं आरबीआई के अनाउंसमेंट। मैं उसमें एक चीज़ पहले कोट कर दूँ, अभी मैं सीएनबीसी आवाज़ का एक ट्वीट देख रहा था, उनके अकॉर्डिंगली ऑल ईएमआईज पे रोक लगा दी गई है 3 महीने के लिए, यानी कि किसी भी तरह की ईएमआईज पे कोई ईसीएस हिट नहीं होगा अगले 3 महीने। साथ के साथ उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे इंटरेस्ट के, साथ के साथ आपका सिविल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री इसलिए हूँ कि मैं अभी नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, मुझे नहीं मिला, लेकिन सीएनबीसी की टीम मेरे से बहुत बड़ी टीम है तो मैं उनकी बातों को मानता हूँ और उसकी वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। खैर, अब बात करते हैं कि श्री कांता दास जी ने, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने लगभग 30 मिनट बोला, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने सबसे पहले बताया रेपो रेट को 75 बेस पॉइंट से कम कर दिया गया, साथ के साथ रिवर्स रेपो रेट को 90 बेस पॉइंट से कम कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये जो स्प्रेड है ये कैसे आगे मूव करता है उस पर बहुत डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी को। साथ के साथ उन्होंने बताया कि फूड इन्फ्लेशन हाई है, फूड ग्रेन्स हमारे पास स्टॉक इतने हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन है, ये बेसिक बताया, और कहा कि ग्लोबल मार्केट रिसेशन से जूझ रहा है। खैर, उन्होंने जो मेजर बात बताई जो मेरे हिसाब से मुझे लगता मुझे बताना चाहिए, टर्म लोन पे उन्होंने बैंक को, एनबीएफसीज को, एफआईएस को परमिट कर दिया 3 महीने का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा टर्म लोन पे। साथ के साथ वर्किंग कैपिटल को भी 3 महीने के लिए डिफर कर दिया जाए। अगर मैं फिर अपनी ट्वीट पे जाता हूँ, अगर मेरे पुराने ट्वीट को देखिएगा तो मैंने ये 7 से 8 दिन पहले ये बात कही थी। खैर, थोड़ी लेट हुई बट इम्पॉर्टेंट है कि उस हिसाब से गवर्नमेंट ने उस पर एक्ट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिड्यूस मिनिमम डेली बैलेंस जो कि बैंक के लिए होना चाहिए था 90-80%, उससे लिक्विडिटी की इंक्रीज होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1,37,000 करोड़ रिलीज़ किया है लिक्विडिटी, यानी कि इस दोनों इम्पैक्ट से लगभग 3,74,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा मार्केट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कल के प्रेस रिलीज को आप देखते हैं तो वो पुअर और जो लोग गरीब तक के लोग हैं उनके बारे में एड्रेस करने की कोशिश की गई, उनको राहत देने की कोशिश की गई, आज ये मार्केट को राहत देने की कोशिश की, तो एक अच्छा प्रयास है। और मुझे लगता है कि इसमें और कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक स्टेप आगे बढ़ा गया मार्केट में। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रयास किया। उसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि इसके अलावा टोटल उनका जो इस पूरे आज के अनाउंसमेंट से 3.2% की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है जीडीपी की, यानी कि हमारी जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख करोड़ की है, तो एक अच्छा अमाउंट उनका कहना है कि हमने मार्केट में इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि जो इकोनॉमी की रिवाइवल है और आज जो हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने साथ के साथ ये भी कहा कि ये बहुत डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा जो स्प्रेड है वो कैसे आगे बढ़ता है, और उसी पे सारी प्रोडक्शन हो पाएगी फ्यूचर की। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, और उनके हिसाब से ये सारे चीज़ को कवर किया गया, लिक्विडिटी री इन्फोर्समेंट, बैंक क्रेडिट, ईज़ ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये 4 पॉइंट थे जिनको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। खैर, अगर 3 महीने की ईएमआई नहीं लगती है तो बहुत ही अच्छी और आप कह सकते हैं राहत की बात है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनके ईएमआई का जो बर्डन है बहुत हाई होता है।
मैं भी उस EMI को समझ सकता हूँ। तो मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि अगर ये रोका गया है तो ये बहुत ही अच्छी प्रयास है। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप मेरे टोटल में जोड़ दीजिए, बाद में वो मेरे से ले लीजिए। अगर कुछ दिनों का मुझे आफियत मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है। खैर, आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। हम शाम को फिर से फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे, उसमें सारे डिटेल देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मार्केट क्यों नीचे गया। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट राकेश जी भी होंगे जो अपने कल के मार्केट के प्रेडिक्शन के साथ आते हैं और चीज़ों को बताते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। हम सारे सोशल मीडिया पे हैं, हम सारे OTT प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।